नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इसराइल के मामले में। भाई साहब, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था इसराइल का इंटरव्यू कब होगा, है ना। फर्स्ट इंटरव्यू हो गया जिसको सिलेक्शन वाला बोलते हैं, सेकंड इंटरव्यू कब होगा। तो इस पर हम बात करेंगे कि इसराइल में 10 प्रकार के जॉब आ चुके हैं, क्लाइंट इंटरव्यू शुरू हो चुका है, इस पर हम बात करेंगे। अभी मैंने एक बार हर वीडियो में बहुत बोलता था आपको, अगर याद हो रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको, मैंने कल परसों एक वीडियो डाला उसमें भी बोली कि भाई साहब इसराइल का इंटरव्यू अभी होने वाला है, क्लाइंट इंटरव्यू, काम बंद नहीं होगा, चलेगा। और दूसरे उसमें यह भी बताया गया था, मैं हर वीडियो में 4 महीने से बोल रहा हूँ कि शुरुआत 3 जॉब से हुई थी, लेकिन आने वाले समय में कैटेगरी बढ़ जाएगी। लो भाई, यहां पे बढ़ चुकी है, 10 के करीब कैटेगरी आ चुकी है और ये जेन्युइन रिपोर्ट है, फेक रिपोर्ट नहीं है। इस पे बात करूंगा और ऑफिस का के बारे में भी बता दूंगा, वहां पे जाके आप अपना काम करवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार एक कमेंट करके मुझे बता देना कि भाई साहब न्यूज मैं अच्छी बनाता हूँ, सब कुछ ओके है आपकी तरफ, आप बोलते हो मैं नहीं बोलता, फिर भी आप लोग वो हो जो 84% लोग वो हो जो मुझे देखना पसंद करते हैं लेकिन मुझे चैनल सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते। सिर्फ कमेंट बता देना करके भैया चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। मात्र 16% लोग हैं जिन्होंने मेरी तरफ ऐसे किया है वैसे, और आप ऐसा वैसे नहीं देखते रहते हो मेरी तरफ ऐसे, लेकिन ऐसे क्यों नहीं कर देते। सब्सक्राइब कर लीजिए यार, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास, नुकसान नहीं होगा, पैसा नहीं लगेगा। यूट्यूब ने मुझे बोला कि यार आप अपने लोगों को बोलो ना, इसीलिए यूट्यूब ने मुझे बोला है, बोले ये देखो जी आपके लोग हैं, आपके साथी हैं जो आपको देखते हैं लेकिन आपकी तरफ ऐसे नहीं करते, ऐसे करके चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे मुझे भी, आप रेगुलर नोटिफिकेशन भी मिलता रहे आप। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ बात करेंगे, वैकेंसी के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है उस पर भी बात करेंगे। आप देख लो भैया काम देख लो पहले, तो ये देखो जी वेल्डर का जॉब, 3G 4G वेल्डर, समझ रहे हैं, सैलरी देख लो 1800 से 1900 डॉलर। पेंटर और रिपेयर प्लास्टर का काम भी देख लो भैया, आप बोल रहे थे पेंटर का काम नहीं आता, देख लो जी 1800 से 1900 डॉलर तनख्वाह है। स्कोप फोल्डिंग वर्कर्स का भी काम है 1800 से 1900 डॉलर तनख्वाह है। स्टील फैक्चर, स्टील का देख लो भैया, स्टील वाला काम होता है ना, 1800 से 1900 डॉलर तनख्वाह है। फेब्रिकेटर का देख लो भैया तनख्वाह 1800 से 1900। फोरमैन भी मांग लिया भाई साहब 1800 से 1900 है, और इलेक्ट्रिशियन भी मांग लिया, ये देखो जी 1800 से 1900 है, और भाई साहब प्लम्बर भी मांग लिया। आप बोलते हैं ना प्लम्बर, प्लम्बर का भी जॉब है भाई साहब, इसमें हिम्मत आपकी आपको करनी पड़ेगी। अब आपको क्या है, कैसे, कौन सी ऑफिस में, वो भी बता देंगे। अब देखो इसमें कुछ ये सवाल आपके हो सकते हैं, इसमें कितना वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका काम, कितना समय लगेगा वीजा आने में, पासपोर्ट वैलिड कितना चाहिए, वीजा चार्ज कितना लगेगा, मेडिकल पीसीसी, एजुकेशन क्या होना चाहिए, इंटरव्यू किसका होगा, और हेल्पर जॉब, ये सवाल भी आपके इसी में मैं शामिल कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये जो काम है ना भाई साहब आपके पास, ये सब लोगों के पास जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उनके पास किताब है, ओपन करना और इस पे 163 नंबर निकाल लेना भाई साहब, है ना। 163 नंबर के आगे जो एड्रेस है उसको आप फोन करके या अपने स्तर पे जाके, एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर सब आ जाएगा, उसमें आप जाओगे और उनसे बात कर लो, वहां पे भाई साहब इंटरव्यू अभी है 7, 8, 9 और 10। 7, 8, 9 का तो पक्का है कि क्लाइंट इंटरव्यू, क्लाइंट आने वाला है इसराइल की कंपनी की तरफ से, वो आपका इंटरव्यू यहाँ पे लेने वाले हैं। तो बात क्लियर हो गई। अब एड्रेस किसके पास नहीं है तो भैया वो हमारे संतोष जी से बात कर लीजिए, तो वो एड्रेस आपको प्रोवाइड करवा देंगे। समझ में आ गई बात। अब एक्सपीरियंस की बात कर लें तो भाई साहब यहाँ पे कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब देखिए कुछ बातें लोग छुपा देते हैं लेकिन मैं तो क्लियर बताऊंगा, ये नहीं कि मेरे पास मुझे किताब बेचनी है तो आपको ये बातें छुपा दूंगा, ऐसा नहीं है भाई साहब, जो है वो है। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, विदेश का, गल्फ का हो या किसी भी देश का हो, इसीलिए बार बार बोलता हूँ भाई साहब गल्फ है ना आपकी एक शुरुआती है, तनख्वाह कम मिल सकती है लेकिन गल्फ का एक्सपीरियंस आपके हर देशों में काम आता है, ये कई वीडियो में बोल चुका हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया जी हमें सिर्फ गल्फ के एक्सपीरियंस वाला, गल्फ का मतलब किसी भी देश का हो सकता है, वही लोग चाहिए। समय कितना लगेगा तो भाई साहब समय आप 2 महीने तो मान के चलिए मेरी तरफ से, लोग बोलने को एजेंट आपको कुछ भी बोल दे 15 दिन में 20 दिन में महीने में करवा देंगे, ऐसा नहीं होगा। 2 साल आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 2 साल की वैलिडिटी उसका होना जरूरी है। चार्ज की बात करें तो भाई साहब मैं तो बताता हूँ आपको 3 से 3.5 लाख रुपए, 3 में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी भाई साहब क्या कर सकते हैं, लोग तो पैसा लेंगे जो काम फ्री में हो, और लोगों की मजबूरी है लोग देंगे पैसा। मेडिकल आपका होगा 5500 रुपए का, इंटरव्यू में क्लियर हो गए, सिलेक्शन लिस्ट आ गई, उसके बाद आपको मेडिकल करवाना है, पहले नहीं करवाना है। और पीसीसी आपके पास होगी, नहीं होगी तो भैया बनवा लेना, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिस में काम है, कोई भी आपको फ़ोन कर दे एजेंट कुछ भी बोल दे चक्करों में मत आना वरना बर्बादी तो तय है। एजुकेशन भैया 10th पास इसमें मांगा गया है कि बंदा 10वीं पास तो हमें चाहिए चाहिए, है ना। और इंटरव्यू किसका होगा, जिन लोगों ने भैया फर्स्ट इंटरव्यू दे रखा है, जिसको क्या बोलते हैं यार नाम याद नहीं आ रहा, सिलेक्शन जिससे फर्स्ट इंटरव्यू देते हैं ना आप, उसमें आप पास हो गए, उनका सेकंड इंटरव्यू में क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर हेल्पर का जॉब का क्या मामला है, तो भाई साहब हेल्पर का जॉब क्यों देगा, अब तो नहीं है, आएगा तो हम बताएंगे आपको, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इसलिए लाइफ में कभी भी ध्यान रखना 10th पास तो अभी तो आप अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन भाई साहब जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो सोचने की जरूरत है। एक्सपीरियंस बाहर का ले लो, फायदे में रहोगे, चाहे दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत, ईरान, फलाना ढिमका, कोई भी देश का हो सकता है, इंडिया के बाहर का कोई भी देश हो सकता है, ये हर वीडियो में मैं बोलता हूं। एक तो पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया था कि गल्फ वालों को हर आदमी प्राथमिकता देगा, आपको फर्स्ट लाइन में आप लगोगे, क्योंकि चेहरा नहीं देखना उनको, सुंदर है, काला है, गोरा है, उनको ये देखना है इस बंदे ने बाहर काम किया, एक्सपीरियंस है, तो आ जाओ जी, है ना।
तो ये सब कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। फिर भी सवाल है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।